पौधे लगाना ही नहीं, बल्कि पौधों को लगाकर उसको वृक्ष के रूप में आगे उसकी रक्षा करते हुए, सुरक्षा करते हुए, साल संभाल करते हुए, पानी पिलाते हुए उस पौधे को वृक्ष का रूप देवे, तो ही हमारा सार्थक ये वृक्षारोपण होगा। ज्यादा से ज्यादा वृक्षारोपण करें, दिन प्रतिदिन वृक्ष कम होते जा रहे हैं, इसी का भुगतान ये जो खामियाजा हम भुगत रहे हैं, तो हमें भविष्य में ऐसी स्थिति से निपटने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा वृक्षारोपण करना चाहिए। सिरोही से जालम सिंह की रिपोर्ट, PGS इंडिया न्यूज़। सिरोही से हम मनोरा गांव पहुँचे हैं विद्यालय में। नमस्कार सर, मेरा नाम दशरथ सिंह राव है, मैं राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय मनोरा के पटाना सारे हूँ। और जो जिला शिक्षा अधिकारी जो आपकी लक्ष्य 8 सपा वृक्षारोपण का था, उसके अनुसार हमने मनोरा विद्यालय दोनों बालिका और माध्यमिक दोनों उच्च माध्यमिक दोनों में 600 पौधे लगाए और अधीनस्थ स्कूल राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय सतापुरा में 200 पौधे लगाए। उसके अनुसार हमें जो आर्थिक लक्ष्य प्राप्त हुआ था, उसके अनुसार मैंने 800 पौधे लगाकर हमारा प्रत्येक विद्यार्थी को और स्टाफ को एक एक पौधा को देकर उसकी साथ संभाल, पानी पिलाना, देखभाल करने का कर्तव्य उनको सौंप दिया। और हमारा उद्देश्य है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को प्रेरित करना और पूरे विद्यालय का, घर का और गांव का वातावरण हरा भरा करना। गौराम प्रजापत व्याख्याता हूँ स्थानीय विद्यालय में। और ये जो मुख्यमंत्री वृक्षारोपण महाभियान जो चल रहा है, उसके अंतर्गत हमारे विद्यालय में और पूरे PO क्षेत्र के सारे विद्यालयों में वृक्षारोपण का यह कार्यक्रम बहुत अच्छी तरह से अभी किया जा रहा है और उसी के अंतर्गत हम इस अभियान में अभी जुड़े हुए हैं। नमस्कार, प्रेमाराम देवासी, प्रधानाध्यापक राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय सतापुरा। हमें अपने PO क्षेत्र राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय मनोरा से जो आवंटित लक्ष्य दिया गया था, उसके अनुरूप हमने ये पौधे लगाए हैं और पौधे लगाकर उनका सार संभाल करने के लिए लोगों को प्रेरित किया गया। वर्तमान जो अपने ग्लोबल वार्मिंग और ऐसी जो लू की आफत जो इस बार हुई थी, इन सभी का केवल एक ही हल है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा वृक्षारोपण करें। दिन प्रतिदिन वृक्ष कम होते जा रहे हैं, इसी का भुगतान ये जो खामियाजा हम भुगत रहे हैं, तो हमें भविष्य में ऐसी स्थिति से निपटने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा वृक्षारोपण करना चाहिए। सभी लोगों को प्रेरित किया, सभी सार्वजनिक स्थल अपने घरों पर घर के सामने वृक्ष लगाए और उनकी वृक्ष लगाने तक ही इतनी सीमित नहीं होती, उनकी सार संभाल करना बहुत ही आवश्यक है। और इसी तरह वृक्षारोपण होगा तो हमारा जो सिरोही ज़िला है हरा भरा हो जाएगा और बहुत ही अच्छा वातावरण बनेगा। धन्यवाद। नमस्कार, मैं देवाराम। मैं शुरू से ही वृक्ष लगाने पर, वृक्षों को बड़ा करने पर, धरती को भरा करने पर कोशिश में लगा हुआ हूँ। मैंने पूर्व में ही उद्गा में बहुत सारे पौधे लगाकर उसको वृक्ष का रूप दिया है और स्थानीय विद्यालय में भी मैं मेरे निजी इंटरेस्ट से पौधे लगाता हूँ और उसको बड़ा करने का प्रयास करता हूँ। बच्चों को भी इस अभियान में शामिल करता हूँ। और आप इधर देखिए, ये इस प्रकार के जो पौधे हैं जो अब वृक्ष बनने वाले हैं, ये मैंने ही लगाए हैं। विगत 6-7 सालों से मैं यहाँ अधिक से अधिक वृक्षारोपण करने के प्रयास में लगा हुआ हूँ, ताकि हमारा विद्यालय हरा भरा विद्यालय हो सके। मेरा नाम बुद्ध सिंह है, मैं व्याख्याता हूँ मनोरा में। और इस बार जो जिस प्रकार से भीषण गर्मी पड़ी है, अब जो सामान्य जनजीवन जो बाधित हुआ है, प्रभावित हुआ है, इसको देखते हुए माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने एक टारगेट लिया है कि संपूर्ण राजस्थान को हम हरा भरा बना देंगे। और इसके लिए सभी विभागों में, सभी कर्मचारियों में, जनजीवन में, जो सामान्य लोग हैं, सबको टारगेट देकर अधिक से अधिक वृक्षारोपण करने के लिए प्रेरित किया है, ताकि हम इस बढ़ते हुए गर्मी को कुछ नियंत्रित कर सकें और पर्यावरण को वापस संतुलित कर सकें।